गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से किसी लिंक को बुकमार्क किया जाता है। ये बुकमार्क है क्या? हम व्हाट्सएप में अक्सर देखते हैं कि जो भी पोस्ट हमें मिलता है या जो पोस्ट करता है वो थोड़ी देर के बाद ऊपर चला जाता है, और अगर 2-3 दिन पहले या उससे भी पुराना कोई पोस्ट देखना हो तब हमें कभी कभी वो पोस्ट नहीं मिलता, वहाँ हमें उस पोस्ट को ढूंढने में दिक्कत आती है। तो अगर कोई लिंक आपके व्हाट्सएप में शेयर करता है, किसी क्लास ग्रुप में शेयर करता है, तो उस लिंक को अगर आप बुकमार्क कर लेंगे तो ब्राउज़र में उस बुकमार्क को जब ढूंढने जाएंगे तो तुरंत वो लिंक आपको ओपन हो जाएगी। तो वही मैं आज दिखाने जा रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपके क्लास ग्रुप में अटेंडेंस का लिंक जो अभी आप सामने देख पा रहे हैं, ये आपके क्लास टीचर ने शेयर किया था, तो इस लिंक को आप कैसे बुकमार्क करेंगे? तो ये जो लिंक दिया है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके स्मार्टफोन में जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो लिंक उस डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। जैसे मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्रोम है तो ये लिंक उस ब्राउज़र में ओपन हो रहा है। तो जस्ट ये आपके सामने ये गूगल फॉर्म का एक लिंक है जो अटेंडेंस लिंक है। आप ध्यान से अगर ऊपर देखेंगे एड्रेस बार में docs.google.com/form, और पूरा ये आईडी अगर आपको देखना है आप यहाँ पर ऊपर लिंक में क्लिक कीजिए, और ये पेंसिल टाइप का जो आइकन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा एड्रेस बार में इस लिंक का यूआरएल शो कर देगा। मैं अभी इसको क्रॉस कर रहा हूँ। तो आपको लिंक याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसको बुकमार्क कर लीजिए, और जब भी कभी नई तरीके से आपको इस लिंक को ओपन करना होगा तो कैसे ओपन करेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा। तो इस लिंक को बुकमार्क करने के लिए ऊपर जो 3 डॉट्स आप राइट साइड देख रहे हैं, इस 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर जो स्टार आपको नज़र आ रहा है, हालांकि मेरा ये बुकमार्क किया हुआ है, अगर ये बुकमार्क नहीं होता तो ये लिंक, ये स्टार ब्लू कलर का नहीं होता, ब्लैंक कलर का होता। मैं इसको डिलीट करके दोबारा से दिखा रहा हूँ, जस्ट चेक इट आउट। तो मैंने, अब देखिए ये जो स्टार है ब्लैंक टाइप का दिखा रहा है, तो इसको आप एक बार क्लिक करेंगे, द मोमेंट यू क्लिक नीचे देखिएगा बुक मार्क करके एक नोटिफिकेशन मैसेज आएगा। फिर से अगर आप चेक करेंगे तो आप मालूम चल जाएगा ये बुक मार्क हुआ है कि नहीं। सो देखिए ये बुक मार्क हो गया। सो इस तरह से आपको बुक मार्क करना है। मैं इस बुक मार्क को कैसे खोलेंगे वो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। पहले गूगल क्रोम के ये जो टैब्स हैं इनको आप बंद कर दीजिए, नया टैब आप खोलेंगे तो यहाँ पर आप जो सर्च बॉक्स है यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपने जी टाइप किया तो आप देखिए यहाँ पर वो बुकमार्क थर्ड ऑप्शन में दिखा रहा है। ये क्लास 6A2 का अटेंडेंस लिंक है, तो ये लिंक ऑलरेडी एक्टिव है, बुकमार्क किया हुआ है। तो इस लिंक में अगर आप क्लिक करेंगे, इसके अलावा भी अगर आप कोई लिंक बुकमार्क करना चाहते हैं तो उस बुकमार्क का अगर एड्रेस बार का पहला कैरेक्टर या पहला वर्ड भी अगर आप याद रख पाएँ तो उस पर अगर आप एड्रेस बॉक्स में टाइप करेंगे तो वो शो कर देगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखिए वो बुकमार्क ऑलरेडी ओपन हो गया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन बुक मार्क एनी लिंक ऑन योर ब्राउज़र। वो कोई सा भी ब्राउज़र हो सकता है, क्रोम हो सकता है, ओपेरा हो सकता है, सफारी हो सकता है, आपका यूसी ब्राउज़र हो सकता है। ये फ़ायदा होगा अगर आप किसी भी लिंक को बुक मार्क यहाँ पर कर देंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू बुक मार्क योर यू आर एल इन योर ब्राउज़र। Thank you so much.